हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू HP48 व्लॉग्स। तो आज हम फिर से रोड राइड पे निकले हैं और रोड की हालत आप लोग देख सकते हो, बारिश ने क्या ही हालत की है जगह जगह। तो अभी मैं घर से निकला हूँ, मौसम थोड़ा सा आज अच्छा है कल के मुकाबले। तो अभी देखता हूँ, मैं जा रहा हूँ कहीं जहाँ थोड़ी बहुत स्नो वगैरह मिल जाए अपने को। तो देखते हैं जुम्हार और वो ऊपर वाली तरफ, वहाँ बर्फ़ 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 बस आते आते रह गई, थोड़ा सा बचा था। अपने यहाँ भी बर्फ़ होती पर चलो जो भी है, वेल एंड गुड है। देखते हैं बाकी आगे कहाँ से हमने मिलती है बर्फ़। ठंड भी कंपैरिजन पिछले दो दिन से ज़्यादा है और थोड़ी थोड़ी ठंड अभी स्टार्ट हो गई है लगता। वैसे तो मैं प्रॉपरली पैक होकर आया हूँ, गर्म ड्रेस पहन के। आज तो ग्लव्स भी गर्म वाले, काफ़ी गर्म वाले पहन के आया हूँ क्योंकि दूसरे ग्लव्स सर्वाइव नहीं कर पाते वहाँ पे। प्लान के हिसाब से जा रहे हैं हम, वहाँ सामने जो बर्फ़ दिख रही है, पर प्लान में थोड़ी सी चेंजिंग है। पहले मैं मोहित को लेने उसके घर जा रहा हूँ, अब तो मैं और मोहित जा रहे हैं यहाँ से। बाकी दोस्त लोग वहीं मिलेंगे जुम्हार, क्योंकि वो उनके घर वहीं आसपास ही हैं, वहाँ से ही है वो लोग। तो अभी उनको वहाँ पर जाकर मिलना है। रोड तो आप देख ही सकते हो हालत, चारों तरफ कहीं पत्थर, कहीं छोटे मोटे स्लाइड। तो बारिश ने काफ़ी अभी हालत ख़राब करी हुई है रोड्स की, थोड़ा केयरफुली राइड करना पड़ता है। तो वो चारों तरफ की डाल दिख रही है बर्फ, बस यहीं आसपास नहीं है। उस तरफ तो शायद आई थिंक बर्फ़ दोबारा से गिरना स्टार्ट हो गई है। सर तो आप लोग देख ही सकते हो कितने गिरे हुए रोड में, मतलब काफ़ी हालत ख़राब है रोड की, रोने करी हुई। और ड्राइविंग करना थोड़ा सा डेंजरस है। तो ये ऊपर की तरफ वाला रोड ये जाता है मोहित के घर की तरफ, तो यहाँ से 4 किलोमीटर ऊपर जाके मोहित का घर है। वहाँ से पीछे वहाँ से जाएंगे हम लोग जुम्हार वैली। ओहो नज़ारे बर्फ के, क्या ही बात है। उस तरफ तो आप लोग देख सकते हो कि दोबारा से स्नोफॉल स्टार्ट हो चुका है, तो इस तरफ भी शायद थोड़ी देर में स्नोफॉल तो नहीं पर बारिश हो सकता है हो जाए। तो मैं ऑलमोस्ट पहुंच चुका हूं, वो वहां ऊपर मोहित का घर है। तो यहां बाइक पार्क करके मुझे वो करके मोहित के घर तक जाना है। वो बोल रहा है ऊपर ही आजा, घर ही आजा। तो ये मोहित की बाइक और स्कूटी यहीं पे पार्क है, यहीं बाइक लगाकर मैं ऊपर जाऊंगा अभी मोहित के घर एंड उसको लेकर आऊंगा एंड चलेंगे फिर आगे की तरफ। तो मोहित आ चुका है हमारे साथ और अभी मैं राइड कर रहा हूँ। वापिस आते टाइम मोहित राइड करेगा। और अभी हम निकल रहे हैं वो जहाँ पे बर्फ़ दिख रही है उस वाली तरफ हम अभी जाएंगे एंड तो हम लोग मेन रोड में पहुँच चुके हैं ऊपर वाले रोड से। अभी आगे की तरफ थोड़ा आगे तक चल के उसके बाद दूसरे रोड लेना है,
और दूसरे रोड पे ऊपर तक हम जाएंगे चामुंडा माता रोड एंड उसके बाद जुम्हार तक। जुम्हार तो बाइक नहीं जाएगी क्योंकि आगे बर्फ़ होगी रोड में, तो बाइक चलाना मुश्किल ही नहीं इम्पॉसिबल है। तो ये आप देख सकते हो स्लाइड, और ये पत्थर सारे बारिश की वजह से आए हुए हैं। वो आपकी ऊपर की तरफ आप देख सकते हो सारा खतरनाक। तो बाकी आगे भी कई जगहों पर पत्थर गिरे हैं। फिलहाल पहाड़ों का यही रहता है सर्दियों के सीज़न में और बरसात के सीज़न में पत्थर वगैरह गिरने का, ये चीज़ सब चीज़ें चलती रहती है। तो थोड़ा सब कुछ देखकर करना पड़ता है, केयरफुली राइड करना पड़ता है आसपास देख के। तो नाउ हमने अब एंटर कर लिया है चामुंडा माता रोड। तो यहाँ से आगे अभी हम जाएंगे, यहाँ से 100 मीटर आगे है चामुंडा माता टेंपल। जुम्हार रोड पे ही ये चीज पड़ता है। ये हम पहुंच चुके हैं चामुंडा माता टेंपल। अब स्टार्ट होता है हमारा आगे का सफर। तो ये अभी रोड साफ हो रही है तो आगे की तरफ ऑब्वियसली यहाँ पे फर्स्ट गियर पे चलना है, क्योंकि ये देख सकते हो आप स्प्लिट हुए हैं अपनी। तो फिर भी यहाँ पर होता है कि आप जो स्पीड में चल रहे हो वही स्पीड आपको मेंटेन रखनी है, स्पीड को अप एंड डाउन नहीं करना है। ब्रेक लगाओगे तब भी गिरोगे और स्पीड बढ़ाओगे तब भी गिरोगे। आगे से तो थोड़ा बहुत और ख़तरनाक होने वाला है रास्ता भाई। रुकना नहीं है, बर्फ़ में रुकना नहीं है राजे, बस चलते रहो, रुको नहीं। रुकोगे तो टायर स्पीड करेगा और देख के चलो जहाँ से आपकी गाड़ी निकल सकती है, क्योंकि 19-21 करोगे तो गाड़ी घूमेगी ही घूमेगी ना। तो अब भाई गाड़ियों का घूमना बनता है, क्योंकि अगर रुकोगे तो घूमेगी गाड़ी। तो जगह अपने को मिल गई है, बाइक अपनी पार्क हो चुकी है साइड में और अभी निकलेंगे आगे की तरफ। तो बाइक के साइड में लगने के बाद हम लोग अभी चल रहे हैं वो करके ये इतनी बर्फ़ में, और आसपास का आपको व्यू दिखाते हैं। और यहाँ चारों तरफ बर्फ़ है चारों तरफ, और ये नीचे रोड पे यहाँ पर बाइक तो आ ही नहीं सकती है, मतलब ही नहीं बनता है। और आसपास का व्यू बर्फ़ तो काफ़ी मज़ेदार है, पर ख़तरनाक चीज़ ये है जो पेड़ों के ऊपर से बर्फ़ गिर रही है हवा से, वो थोड़ी सी ख़तरनाक है। और थोड़ी सी ठंड भी खतरनाक हो, यार ख़तरनाक हालत ख़राब कर रही है ये पेड़ों से गिरने वाली बर्फ़। और वो पहाड़ों पे सामने की तरफ स्नोफॉल फिर से स्टार्ट हो गया है, और यहाँ भी अभी कुछ बोल नहीं सकते शायद हो ही जाए। भाई बर्फ 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 हल्की हल्की बर्फ गिर रही है, और ये दिख ना पाएगी ब्रो, तो दूसरे कैमरे से शूट करना पड़ेगा। यो कैरी ऑन। जुमार इज लाइक मिनी नारकंडा एंड कुफरी टूर। ओ ये आप देख सकते हो सुपर लोकेशन। ओ पहले मैं कह रहा था उस तरफ स्नोफॉल स्टार्ट हो चुका है, और उस तरफ ही नहीं हल्की हल्की स्नोफॉल इस तरफ भी स्टार्ट हो गई है, बट चक्कर ये है कि अपने इस कैमरे में दिख नहीं पा रही है। बाकी आपको दिखाता हूँ, ये आप देखो जैकेट के ऊपर बूंदे बर्फ़ की। तो स्नोफॉल हल्का हल्का स्टार्ट हो चुका है, और तो हम लोग फाइनली एंटर कर चुके हैं जुम्हार, एंड स्नोफॉल थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। और ये मोहित भी साथ साथ में चल रहा है, ठंड भी बहुत काफ़ी है, थोड़ा चलने की वजह से हम लोग थोड़े गर्म माइनस
हाँ क्लोज टू माइनस नहीं, एक्चुअली माइनस में ही टेम्परेचर होगा यहाँ पे। तो बाकी आप आगे का आप देख सकते हो, जंगल चारों तरफ, जंगल बर्फ, और बस थोड़ा सा आगे ये जो है जुम्हार गांव है, वो यहाँ पर अभी हम लोग देखते हैं, कुछ रुकेंगे दो चार मिनट के लिए। वेरी हिस्टोरिकल विलेज एज वेल। तो ये हमारे भाई साहब जो हैं, इनको हिंदी थोड़ी सी कम आती है, तो ये बात मैक्सिमम इंग्लिश में ही करते हैं, तो कुछ डोंट नो मच ऑफ हिंदी, आइदर आई कैन टॉक इन चम्बियाली और इन इंग्लिश। तो कई बार ये हमारे भी पल्ले नहीं पड़ते हैं कि भाई साहब क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बीच बीच में ज़्यादा फ्लो में ये इंग्लिश के साथ साथ स्पेनिश में भी उतर जाते हैं, तो पल्ले नहीं पड़ते हैं अपने। तो फाइनली ये है जुम्हार, बंच ऑफ यूथ एंजॉयिंग द संडे एंड द स्नो। यहीं पर कहीं पे दुकान देखकर हम लोग जो भी मिलेगा, जो भी मतलब, क्योंकि इस मौसम में खाने को कुछ भी मिल जाए, जो भी मिलेगा वेल एंड गुड है, तो वो हम लोग कुछ खाएंगे एंड फिर आगे की तरफ चलते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं जुम्हार एंड आगे, अभी तक काफ़ी आगे तक हम लोग जाने वाले हैं, ये बर्फ़ का मज़ा लेते लेते। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल एंड वेरी रिलीजियस स्पिरिचुअल प्लेस एज वेल, टेम्पल। तनु भाई स्नैक्स लेते हैं। ये है मेन जुमार, तो अभी हम लोग जा रहे हैं उस वाली तरफ आगे की तरफ, और यहाँ पर काफ़ी लोग आसपास एंजॉय कर रहे हैं, और व्यू भी बहुत बढ़िया है यहाँ का, और यहाँ पर ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 6-7 इंच के करीब बर्फ़ है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे थोड़ी थोड़ी बर्फ़ भी बढ़ती जाएगी, और ताज़ा बर्फ़ अभी हल्का हल्का सा स्नोफॉल कंटिन्यू चल रहा है 6-7 इंच। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ये आप देख सकते हो सुपर। तो आगे की तरफ जंगल और बर्फ, क्या ही कॉम्बिनेशन, तगड़ा रहने वाला, बहुत ही अच्छी ब्रांडेड स्नोफॉल, ब्रांडेड स्नोफॉल। एक्चुअली ये वाले सीजन में जो बर्फ गिरती है वो बिल्कुल सूखी, बिल्कुल सूखी बर्फ होती है, तो ये अगर इसको हार्डली गोला बनाया जाए, इसका हार्ड करके, तो पत्थर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो बनता है, सिर फोड़ सकते हो आप किसी का उससे, कैन इजीली किल समवन। यस, तो अभी हम यहाँ से आगे की तरफ बढ़ेंगे, देखते हैं आगे का क्या सीन बनता है। यहाँ पर इस तरफ ये छोटा सा ग्राउंड, ग्राउंड तो नहीं है, खेत हैं लोगों के आई थिंक, तो वहाँ पर सामने दो टेंट लगे हुए हैं और लोग भी हैं वहाँ टेंट में, और ये ऊपर की तरफ भी एक छोटा सा ग्राउंड, आई थिंक बगीचा है ये। ओ अभी इसी रास्ते हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक कितना चल पाते हैं। हाँ भाई, बर्फ उड़ती उड़ती बर्फ गले में पहुंच गई चलते चलते। ओह, ताजा स्नोफॉल का आपको भी हम दिखा रहे हैं साथ साथ में, जो कुछ बन पा रहा है अपने से। तो व्यू तो यहाँ का क्या ही बात है, कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं इस तरफ, वैसे उतने ज़्यादा लोग गए नहीं हैं, क्योंकि पैरों के निशान से पता चलता है
बर्फ कितनी खराब हुई है पैरों के निशानों से, तो इतना तो लोकल भी आसपास चले होंगे जितनी यहाँ पर बर्फ खराब हुई है। तो हम लोग जा रहे हैं अभी आगे, तो आगे देखते हैं क्या सीन है। तो वहाँ पर ऊपर बोर्ड लगा हुआ है स्पेशली ये बगीचे के अंदर आना मना है। अभी हम जा रहे हैं ये इस रास्ते से, तो इस रास्ते पर शायद दो ही लोग चले हैं या एक ही बंदा कोई पहले गया है फिर वापस आया है या उस तरफ गया है इस तरफ वापस आया है, क्योंकि बस दो ही लोगों के पैरों के निशान है और हमारे बन रहे हैं दो लोगों के और चार लोगों के और कुछ जंगलों के बीचों बीच ये रोड है। देख सकते हैं बहुत ही मतलब वर्ड नहीं है मेरे पास खूबसूरती के लिए ये जगह की। और हम जा कहाँ रहे हैं कोई पता नहीं बस चल रहे हैं टाइम के हिसाब से, देखते हैं जहां तक पहुंच पाए टाइम देखेंगे। हाँ अब घर लौटने वाला टाइम हो गया है तो वहां से हम लोग फिर वापस घर की तरफ आना स्टार्ट कर देंगे। तो आप मेरी तो शक्ल देख के पहचान नहीं पाओगे कि भाई बंदा कौन है। तो ये मैं हेलमेट मैंने सिर पे पहन लिया है क्योंकि हाथ में पकड़ के ऊपर से स्नोफॉल हो रहा है तो भर जा रहा है बार बार हेलमेट बर्फ से, वो गीला हो जाएगा पहना नहीं जाएगा। तो मैंने अबाउट टू शट डाउन एडवांस में मैंने हेलमेट को पहन रखा है और चल रहे हैं अभी ये रास्ते पे। तो ये यहाँ पर थोड़ा बहुत होटल्स जो है तो रुकने का यहाँ का, अगर आप यहाँ आते हो तो गेस्ट हाउस होटल्स वगैरह जो है यहाँ पर इंतजाम है सारा कुछ रीजनेबल रेट पे, और ये रीजनेबल रेट पर आपको मिल जाएंगे। नॉट फाइव स्टार बट हाँ अच्छा है, मतलब गुड इनफ टू स्टे। ऐसा नहीं है कि रहने लायक नहीं है, अच्छे होटल्स हैं रुक सकते हो आप और एक्सपेंसिव भी नहीं है उतना, तो 400-500 सब बढ़िया है यहाँ का जो भी है। और बाकी हमारा भी अब तक का जो भी है सब बढ़िया से चल रहा है। तो इसके बाद आगे का थोड़ा थोड़ा बीच में जहाँ जहाँ पर रोड प्लेन है वहाँ वहाँ पर पानी भी भरा हुआ है बर्फ के साथ साथ, तो वो जैसे ये आप देख सकते हो नीचे यहाँ पर पानी भरा हुआ है तो क्रॉस करना बीच बीच में कोई कोई सी जगह डिफिकल्ट पड़ रहा है। बाकी अभी यहाँ से आगे ये बीच में रास्ता है, रास्ता लगा हुआ है, आप रास्ते के ऊपर ऊपर से चल सकते हो जहाँ पर लोग चढ़े हुए हैं और सामने देख सकते हो आप बुलेट के ऊपर बर्फ। तो ये हमारे बर्फीले भालू बने हुए हैं भाई और ये आप बुलेट का देख सकते हो कैसे दबा हुआ है बेचारा बर्फ के तले, बर्फ के नीचे। ये आप देख सकते हो नीचे फील्ड्स और सामने पहाड़, सारे बर्फ से भरे हुए पहाड़ और बर्फीले भालू बने हुए हम। तो यहाँ से आगे का आप देख सकते हो बर्फ 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 बर्फ। इस ब्लॉग में आप लोगों को हम लोग कम दिखेंगे, बर्फ ज़्यादा दिखेगी और व्यू आप लोग इमेजिन तो क्या ही करना है, आप देख रहे हो तो देख सकते हो आप क्या ही वर्ल्ड क्लास व्यू है। और ऊपर की तरफ ये आप देख सकते हो छोटे छोटे खेत और बर्फ वहाँ पर कौन से तरीके से गिरी हुई है, घर हैं लोगों के, वो सामने एक गांव है, वो वहाँ एक गांव है और वो उस तरफ भी एक गांव है। तो यहाँ से आगे से ऊपर की तरफ जाता है बड़ी जुमार के लिए रास्ता, वहाँ पर आगे जहाँ रोड ख़त्म होता है अगार विलेज से, और वहाँ पर जो लास्ट टाइम मैंने चौहान वाली वीडियो अपलोड की थी वो वहाँ सामने है। तो वहाँ पर भी अभी काफ़ी बर्फ़ है तो मज़ा आ रहा है वैसे बर्फ में चलने का, सुपर मतलब आप डूब जाओ बर्फ़ में फिर भी गिल्ले नहीं हो रहे, ये अलग ही फील है बर्फ़ का। ये छत देख सकते हो आप कितने बढ़िया से छत के ऊपर बर्फ़ जो है टिकी हुई है, और ये रोड सारा और ऊपर की तरफ आप देख सकते हो, और ये बैक साइड वही जंगल जो हम लोग अभी क्रॉस करके आए हैं। तो हर कुछ ही मज़ेदार फीलिंग है यहाँ, मतलब देख सकते हो आप वो सामने की तरफ उन पहाड़ों पे ऊपर बर्फ़, और जहाँ हम लोग अभी यहाँ चल रहे हैं
ये बर्फ एक फुट क्रॉस कर चुकी है और वो सामने नीचे की तरफ जो रोड के पास में गांव दिख रहा है जहां बर्फ वर्फ कुछ नहीं है, वो मेरा गांव है। वहां से मैं यहां आया हूं। इतना दूर नहीं है वैसे जितना मैं सोचो। हम लोग आप लोगों के लिए कितनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो भाइयों हमारी मेहनत को थोड़ा सा कामयाब करो। यस, क्योंकि आप लोगों के ऊपर है सारा दारोमदार। ये देखो चंबा के छोटा सा गांव। बेसिकली हमारा जो प्लान था वो था शाम को कैंप करने का, पर कल मंडे है तो ऑफिस भी जाना होता है, तो काम धंधे छोड़कर ये नहीं कर पाएंगे अभी, क्योंकि नहीं तो अगर काम बहुत जरूरी है। अगर कैंप किया जाता तो वो अलग ही एक्सपीरियंस होना था। चलो तो वो कैंपिंग का आपको नेक्स्ट वीक वो ब्लॉग भी आएगा कैंपिंग का, पर ये होगा कि वेदर इस तरह का नहीं होगा, पर वहाँ की सुपर चीज ये होगी कि ये देखो ये चंबा का है। वहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये रहेगी बर्फ जितनी यहाँ है उससे भी डबल या ट्रिपल रहने वाली है। ये देखो यहाँ तो ये है जुम्हार विलेज के आगे का, ये विलेज का नाम मुझे नहीं पता है कौन सा गाँव है ये। चारों तरफ शांत वातावरण, लोग घरों में शांति से रह रहे हैं, क्योंकि वैसे भी बर्फ में हम लोग हैं जो निकल आए, क्योंकि हमारे वहाँ बर्फ नहीं है। इनके जिनको रोज इस सीजन में डेली बर्फ देखने को मिलती है वो तो इस तरीके से निकलेंगे नहीं, वो तो परेशान हो जाते हैं बर्फ से कि हो गया बस इतना बहुत है। जो हमें एडवेंचर लग रहा है वो इनके लिए एक दिक्कत है, नॉर्मल लाइफस्टाइल तो है ही है, पर इनके लिए इनको ये दिक्कत लगती है क्योंकि बहुत से काम काज रुक जाते हैं, ज़्यादा बर्फ गिर जाए या ये सब ऐसे माहौल में काम काज कई रुक जाते हैं तो दिक्कत लगती है यहाँ के लोकल्स को। लोकल तो वैसे हम लोग भी लोकल हैं, पर हम लोग थोड़ा सा 10 किलोमीटर दूर के हैं वो बात है, तो हमारे यहाँ बर्फ है नहीं, तो यहाँ पर आकर हम लोग मजे कर रहे हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वॉक है ना। यस, यहाँ पर बर्फ एक फीट से ज़्यादा हो चुकी है। बर्फ कर चुकी है अपना अगला लेवल भी क्रॉस, ये आप देख सकते हो ऑलमोस्ट एक फीट से ऊपर की बर्फ है। वैसे भी अब यहाँ से ज़्यादा आगे हम लोग जाएंगे नहीं, ताकि ये जो बैक साइड है सारी ये ख़राब मैं कर रहा हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है भाई, बिल्कुल सॉफ्ट बर्फ है ये आप देख सकते हो, मज़ेदार मोहित। भाई बर्फ आप लोग देख सकते हो, तो हल्का हल्का स्नोफॉल चल रहा है यहाँ पर, और ऑलरेडी यहाँ पर अप टू 1 फीट बर्फ है। मैं आपको चेक करवाता हूँ अभी, सो ये अभी हम लोग चेक करेंगे कितनी कितनी बर्फ है। तो ये आप देख सकते हो ऑलमोस्ट आधी मेरी बाजू जो है डूब गई थी बर्फ में, वो नीचे वो होल बना है बर्फ का, तो काफी बर्फ है यहाँ पर और स्नोफॉल बीच में रुक जा रहा है, बीच में हल्की हल्की सी हो रही है। तो यहाँ से आगे जाना तो इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, जा सकते हैं पर टाइम काफी हो गया है तो जा नहीं पाएंगे हम, तो यहीं तक ही है अभी। तो ये आप देख सकते हो स्नोफॉल सुपर्ब सुपर्ब भाई साहब, ये मैं बहुत देर से मिस कर रहा था, पहले स्नोफॉल थी सो इससे बहुत हल्की स्नोफॉल हो रही थी, वो अभी थोड़ी ज़्यादा बर्फ गिर रही है तो वो कैमरे में भी दिख पा रही है, मतलब वो जो स्नोफॉल था वो कैमरे में कैच नहीं हो पा रहा था, अभी प्रॉपर कैमरा में कैच हो पा रही है। और यहाँ इस चीज़ इस स्नोफॉल की सुपर बात यह है कि हम भीग नहीं रहे हैं जरा से भी भाई, गीला नहीं कर रहा है ये स्नोफॉल हम लोगों को, हर कुछ माइंड ब्लोइंग। तो ये है यहाँ पनिहार पे हम लोग रुके हैं 2-4 मिनट के लिए, और यहीं से हम लोग कांट गो फर्दर इन दैट, दिस इज इट।
तो यही फिलहाल आज का लास्ट वो है, वो सामने आप देख सकते हो उस तरफ जहाँ पर ज्यादा मतलब धुंध दिखाई दे रही है वहां पर, वो एक्चुअली में फॉग नहीं है, वो स्नोफॉल हो रहा है वहां पर। तो हम लोग यहीं पर रुके हुए हैं, तो आज का ब्लॉग हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, यहीं से हम लोग वापस निकल जाएंगे। We want to show you guys. तो यहीं से हम लोग आज वापस निकल जाएंगे एंड आज के लिए इतना ही। तो If you like that, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो नेक्स्ट वीक हम लोग कैंपिंग भी करेंगे और बर्फ में ही कहीं कैंपिंग करेंगे, तो नेक्स्ट ब्लॉग थोड़ा और भी बढ़िया होने वाला है। तो अगर वीडियो ये भी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक करना वीडियो को अगर अच्छी लगे तो, और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। डू लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज ये।